तुम्हारी कोई मीटिंग फातिमा के बगैर नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब देखो फातिमा 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 के अलावा और कोई बात ही नहीं आती है तुम्हें। अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें फातिमा के साथ गुजारना होता है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता है। इतनी ही पसंद है अगर तुम्हें फातिमा, तो जाके उससे क्यों नहीं शादी कर लेते? अच्छा है ना, ऑफिस के बाद दोनों साथ ही घर आओगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नताशा क्या बोले जा रही हो, क्या बकवास की जा रही हो तुम? नताशा किन सोचों में गुम हूँ? तुम्हारा घर आ गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? Sorry. Okay. Bye. Bye. See you then. कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। जहांगीर अंकल की फैमिली को देख के लगता है कि मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूं। अम्मार की इस डिसीजन से बाकी सब तो बहुत खुश है, लेकिन अम्मार इतना खुश नहीं है। अम्मार की सोच के हिसाब से पहले अपने आप को मजबूत करना था, लेकिन ना चाहते हुए उसने ये फैसला किया। मुझे अम्मार को इसी तरह रखना है कि उसने जो किया ठीक किया। बस अल्लाह करे नताशा अम्मार की जिंदगी के लिए सही साबित हो। जिंदगी के इस तवील सफर में वो अम्मार का सहारा बने। गुड मॉर्निंग मैम। आपके लिए चाय लाऊं? मेरे ऑफिस में भेज दो। वो जो फाइल्स है वो तुमने ईमेल कर देने। आइए मैम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या हाल है आपके? क्या बताऊं यार, ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अगर किसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो या उसकी लाइट खराब हो गई हो तो चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हर कोई यही चाहता है कि पहले मैं निकल जाऊं, लेकिन कोई नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक और बंद हो जाता है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे बहुत जल्दी है। मजे की बात यह है कि सब जल्दी में भी है, लेकिन अगर किसी को कोई काम कह दिया जाए तो अपने काम के मामले में सब स्लो हैं। पता नहीं कहाँ इतना जल्दी जाना चाहते हैं। खैर मुझे तो अम्मार की एंगेजमेंट ने पैनिक में डाल दिया है। मैं बस चाहती हूँ कि एंगेजमेंट हो जाए ताकि मैं सुकून में आ जाऊँ। मैम फातिमा, जब आपकी शादी की बारी आएगी तो आप क्या करेंगी? यूं ही पैनिक होंगी? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, ना सोचना है। प्लीज तुम अपनी फिक्र करो, अम्मार के बाद तुम्हारी बारी है। मेरा शादी का भी कोई इरादा नहीं है, और दूसरी बात यह कि मैं अपने घर वालों का बहुत खास हूँ। लेकिन पता है मसला क्या है? जो लड़की मुझे पसंद आएगी ना, मैं जानता हूँ मेरे घर वालों को नहीं आएगी, और जो मेरे घर वालों को आएगी वो मुझे नहीं आएगी। चलो आई थिंक मुझे काम कर लेना चाहिए अब। सो सी यू सून। हेलो। हाय पार्टनर। इतनी सुबह सुबह आज ऑफिस नहीं गए? नहीं यार, घर पे था, सो रहा था, तुमने जगा दिया। ओह सॉरी। इट्स ओके। बताओ कॉल क्यों किया?
तुम्हें बताना था कि सुबह 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है सैलून में, तुम मुझे लेके जाओगे। मैं सोच रही हूँ कुछ तुम्हारा भी फेशियल वगैरह करवा लूँ। नताशा क्या बातें कर रही हो तुम, तुम्हारे छोटे छोटे काम करूँगा। तुम्हारा ड्राइवर बनना पड़ेगा क्या अब? थैंक यू। ओ वो नताशा, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। जानी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे लड़की का फियांसे या हस्बैंड उसे हर जगह पिक एंड ड्रॉप देता है। इट्स लाइक ही इज अ ड्राइवर। नताशा। यस डियर। ये कजन्स वाली ना लड़ाई छोड़ दो, वी आर गेटिंग मैरिड, वी आर ऑलमोस्ट एंगेज्ड। एक्चुअली हमारी ये लड़ाई कजन्स वाली नहीं है, मैरिड कपल वाली है। इट्स ओके स्वीटहार्ट। नताशा कल के दिन और भी बहुत काम होंगे, तू खुद ही चली जा सकती है। नहीं। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। क्या मतलब है? बताना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आना है। ओके नताशा, कल की कल देखी जाएगी, ठीक है? सो जाओ अब मैं। फिर वही बात यार, टुमारो इज आवर स्पेशल डे। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही मुंह उठा के आ जाऊं एंगेजमेंट पे? ओके नताशा, आई विल मैनेज, ठीक है? गुड। ओके, बाय। बाय। रस्म व रिवाज इंसान के लिए, इंसान उनके लिए नहीं है। लेकिन इस्लाम तो फजूल खर्ची और दिखावे की जिंदगी को नापसंद करता है, फिर लोग क्यों ऐसा करते हैं और उसे फखर से बताते भी हैं? बेशक दीन नमूद व नुमाइश और बेजा इसराफ से रोकता है, सादगी का दर्स देता है, लेकिन ये हर इंसान का अपना अमल है। इट इज नॉट आवर प्लेस टू जज, बल्कि हमें उन कामों पर तवज्जो देनी चाहिए जो दीन ने हमारे जिम्मे लगाए हैं। लेकिन दीन तो हमें इसी बात का हुक्म देता है कि हम सबको बुराई से रोके और अच्छाई का कहे। आप ही ने तो बताया था कि हम आखिरी नबी के उम्मत से हैं और हमारे प्यारे नबी के बाद और कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। बेशक ऐसे ही है, हमें अपने तौर पे नेकी को फैलाते रहना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, उन्होंने कैसे अपनी सारी हयात तय्यबा लोगों को नेकी का हुक्म दिया और पति से रोका, खुलूस से, मोहब्बत से, ये कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अहकाम दीन भी मुकम्मल हो जाए। खुद को मुकम्मल समझना और दूसरों को कमतर, ये दीन नहीं सिखाता और ना ही कोई कंपल्शन या जबरदस्ती है। फातिमा ऐसी पाकबाजी से क्या फायदा जिससे दिमाग में तकब्बुर पैदा हो, क्योंकि तकब्बुर की तो माफी भी नहीं है। जब तक हम दूसरों पर उंगलियां उठाते रहेंगे तो खुद को तवज्जो कब देंगे? इसलिए नेकी फैलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अंदर से बाहर फैले, पहले खुद अच्छे बनो फिर किसी को तरकीब दो। जी सही कहा आपने, आइंदा ख्याल रखूंगी। और अब रहा तुम्हारे सवाल का जवाब, हर वो खुशी मनाए जो दीन के अहकाम से ना टकराए वो जायज है, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान खुद पे कोई चीज लाजिम कर ले, क्योंकि लाजिम सिर्फ दीन है और कुछ भी नहीं। यही मैं भी कहना चाह रही थी। लेकिन इसका मतलब वो भी नहीं है जो तुम कहलवाना चाह रही हो। दीन ये नहीं कहता कि खुशी ना मनाए, खुशी मनाए लेकिन दीन के दायरे में रहकर। ओके आओ, तुम ऑफिस में बैठो, मैं जब तक फ्रेश हो जाऊंगा। आओ। अच्छा, मिस्टर शाहनवाज ने प्रपोजल मांगा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या डील आज करनी है? अम्मार इज क्वाइट बिजी, अम्मार तो नहीं निकल पाएगा। अच्छा तो मुझे डिटेल भेज दो, मैं अम्मार से बात करती हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है मैम, मैं आपको भेज देती हूँ। अच्छा मैम, वो ऑफिस बॉय है ना राजेश, उसका पता नहीं कोई इशू चल रहा है, वो काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रहा था, अगर आप प्लीज़ एक दफ़ा उससे मिल लें। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं मैम, वो कह रहा था कि मैं मिस फातिमा को ही बताऊंगा सिर्फ। ठीक है तुम उसे भेजो। ठीक है मैम, मैं भेज दूँगी। ओके। मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ।
जी राजेश, बताए। मैडम, हमारे यहाँ कल दिवाली है और सालिया साहब से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिवाली का कोई बोनस नहीं होता और हम सिर्फ ईद पर छुट्टी और बोनस देते हैं। नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। ईद हो या दिवाली हो, बोनस सबके लिए है। जो इस ऑफिस में काम करता है उन सबके लिए बोनस होता है। और हाँ, ऑफिस के अलावा मेरी तरफ से तुम्हारी फैमिली के लिए भी कुछ गिफ्ट्स है, तो वो अफशा से ले लेना शाम तक। पर वाला आपको खुश रखे और भी ज्यादा दे, और हम सब लोगों को आप जैसी मैडम बहुत शुक्रिया। ओके, जाओ। मार, प्लीज उठा लो। हाँ हेलो, हाँ फातिमा। थैंक गॉड तुमने उठा लिया। मैंने कितनी कॉल्स की है। सॉरी यार, आई वाज टेकिंग शावर। अच्छा सुनो, वो जो जिस क्लाइंट से तुम चिढ़ गए थे ना, उसने प्रपोजल मांग लिया। क्या? वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बस देख लो, तुम्हारी फर्स्ट डील थी और अल्लाह ताला ने साथ दिया है। कि कहीं अमार डिसअपॉइंट ही ना हो जाए बेचारा। ओह यार, इट्स अमेजिंग, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मसला ये है कि मिस्टर शाहनवाज ने हमें आज ही बुलाया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज शाम को ही उनकी अमेरिका के लिए फ्लाइट है और वो एक मंथ के लिए नहीं होंगे पाकिस्तान में। यार ये तो काफी अजीब हो गया। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो आज ही हमारे साथ एग्रीमेंट करे और चेक्स हमें हैंडओवर कर दे। यार तुम्हें पता है तो आज फंक्शन रखा है इन लोगों ने, जबरदस्ती की एंगेजमेंट है, मैं क्या करूं? ऑफिस भी नहीं आया मैं तो चक्कर में। वही तो, मिलना भी वो तुमसे ही चाह रहे हैं सिर्फ। मैंने कहा था कि मैं आ जाती हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अम्मार भी साथ होने चाहिए। बताओ क्या करूं? अच्छा सुनो, तुम परेशान ना हो, मैं आ जाती हूं, दोनों साथ में चलते हैं और वापस जल्दी आ जाते हैं फिर। ठीक है, फंक्शन से पहले हम डायरेक्ट वेन्यू पे पहुंच जाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। चलो ठीक है, आज आपको कोई ऑप्शन भी नहीं है, डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, पर मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। ओके ओके, स्ट्रेंज। मैं आप दोनों से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपकी कंपनी JNF कंस्ट्रक्शन ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन मैं आपकी कंपनी से ज़्यादा आप दोनों से इम्प्रेस हूँ। इसलिए मैंने मिस फैंग को इंसिस्ट किया कि आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है,
क्योंकि आज शाम को मेरी फ्लाइट है। थैंक यू सो मच, आई कैन अंडरस्टैंड। सो मिस्टर शाहनवाज, हाउ कैन वी फर्दर प्रोसीड विद दिस मर्जर पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन? मैं किसी चीज़ को प्लान नहीं करता, फौरन डिसीजन देता हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग इन हिल एरिया होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। इन्वेस्टमेंट मेरी होगी और एफर्ट आपकी कंपनी की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी विल डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली, 50% आपकी कंपनी की और 50% शाहनवाज ग्रुप ऑफ कंपनी की। एग्रीड? या आई थिंक इट्स अ फेयर डील, व्हाट डू यू थिंक? साउंड्स गुड। सो मिस्टर शाहनवाज, मैं सोच रहा था कि हम कुछ पेपर वर्क कर लें अभी, ताकि आपके आने से पहले हम एक बेसिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लें, सॉइल टेस्टिंग, हिल स्टेशन का सर्वे, यू नो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे ट्रैवल करना है और जब मैं वापस आऊं तो इनिशियल वर्क हो चुका होना चाहिए, राइट? द डील हैज बीन लॉग्ड फ्रॉम माय साइड, दिस इज एग्रीमेंट, काइंडली साइन इट। Congrats. This is initial amount of 50 million for mobilization. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. So, see you then. Have a safe flight. You will. Okay. Thank you. NH कंपनी को मना कर दो, मेरी डील हो चुकी। थैंक यू। सो फाइनली वी डिड इट। पता नहीं बहुत ही अजीब सा बंदा लग रहा था मुझे। बंदा तो अजीब था, लेकिन थैंक गॉड वी हैव क्लोज द डील। कांग्रेट्स ऑन योर फर्स्ट डील। थैंक यू। नताशा, बात हुई है अमार से तुम्हारी? क्या बात होनी है मेरी अमार से? मायरा को फोन किया तो उसने बताया कि अमार और फातिमा किसी मीटिंग के लिए गए हुए। अम्मी ये क्या तरीका है आखिरकार? मेरा इतना बड़ा दिन और वो फातिमा के साथ घूम रहा है? अगर अब वो इस तरह का है तो शादी के बाद क्या होगा आखिर? अच्छा मेरा बच्चा, आज के दिन अपना मूड खराब नहीं करो। आज तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट डे है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने जा रही। एक दफा ये मंगनी हो जाने दो, फिर देख लेंगे अमार को भी और फातिमा को भी। बस अब हम जल्दी से पहुंच जाए, आधे घंटे में सब वहां पे हमारा वेट कर रहे होंगे। आई एम श्योर डैड तो बहुत गुस्से में होंगे। तुमने रेडी नहीं होना? हाँ, मैंने मायरा के लिए तैयार होना है, उसने मेरे लिए डिजाइनर से कपड़े बनवाए, तो आगे जाके मुझे डिजाइनर के पास ड्रॉप करके उसके सामने ही सलोन है, 15 मिनट्स में मिलते हैं, फिर तुम भी तैयार हो जाओगे तब तक। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ पे ड्रॉप करना है? ये यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा। हाँ सही कह रही हैं आप, मैं क्यों अपना मूड खराब करूँ उस फातिमा की वजह से? मेरा इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, फातिमा के साथ भी मैं निबट लूंगी एक दिन, बट राइट नाउ आई थिंक आई शुड फोकस ऑन बीइंग हैप्पी। That's like my good girl. ये की ना तुमने बात अकलमंदी की। और अम्मी प्लीज, आपको भी ये बदले की रट छोड़नी पड़ेगी, इस तरह से मामले और खराब हो जाते हैं। अच्छा चलो तुम ये फजूल बातें छोड़ो, ये सब कुछ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम सिर्फ अपनी मंगनी पे फोकस करो। और सुनो बेटा, सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया और सैलून वाले बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग के बारे में, अब तुम खुशी खुशी अपने सैलून जाओ। आओ मेरा बच्चा।
अरे कैसे गुस्सा ना करूं, टाइम तो देखो क्या हो गया। मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। I'm so sorry. हद करते हो, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। ये तो शुक्र है कि मुझे अंदाजा था कि फातिमा तुम्हारे साथ है, वरना तो मुझे तो तुमने हार्ट अटैक करवा दिया था। अच्छा छोड़े ना, सब ठीक है ना, चल सब वेट कर रहे हैं। फातिमा, you look stunning. Thank you, but I'm feeling bit uncomfortable. इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो सारे अनकंफर्टेबल होते हैं, अभी छोटा सा फंक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी खुशी को अपनी खुशी समझा। फातिमा क्या बात है, आज तुम जरा ज्यादा ओवर नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी मंगनी है। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, फातिमा है इतनी प्यारी। और देखा मामा, मैंने कहा था ना इतना प्रिटी ड्रेस मैंने इसको बनवा के दिया है, कितनी प्यारी लग रही है, डॉल। हेलो, हाँ जी जी, फहीम साहब ऑलमोस्ट रेडी है, आप गेट से फिर एंटर हो जाइए प्लीज। जी जी आ जाइए, आ जाइए। सच पूछो बेटा, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डैड मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ अगर फातिमा ना होती तो डील कभी भी फाइनल ना होती। क्रेडिट गोज़ टू फातिमा। अमार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारा क्रेडिट है और तुम्हें उसको पूरा लेना चाहिए। यू एक्चुअली डिजर्व इट। देखो बेटा, अमार जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सच पूछो तो तुमने मेरे अमार को बदल के रख दिया। ये क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना मैंने आपको फ्लैश ऑन करने से, फिर भी मेरी आंखों में मारी जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आती एक बार बात? प्रोफेशनल फोटोग्राफर है आप, यहाँ पे मजाक चल रहे हैं? This is my engagement. I've had enough of this. Natasha, what is this yaar? I've had enough of this. So unprofessional yaar. काम नहीं आता तो फिर बुलाया हुआ क्यों है इसको? Natasha, calm down. मुफ्त में आया हुआ ये. This is my big day. I needed to be perfect. And he's ruining it. It's okay. It's okay. आओ चलो. Thank you.
आज तो सही से थकावट हुई, कितना अच्छा इवेंट था, है ना? मैं खाना लगवाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, हमने खा लिया जो खाना था, चले बेटा। अभी कहाँ जाओगे, इतना लेट हो गया है, अभी तो रात होगी, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। कल कौन सा काम पे जाना है ना? नताशा की तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही उसने स्ट्रेस थोड़ा लिया आज। स्ट्रेस ले लिए किस बात का? अम्मी चले। नहीं बेटा, आराम से जाना, अभी अमार आ जाएगा, मैं उसे कहूंगी तुम दोनों को ड्रॉप कर दे, ठीक है? अमार को फातिमा से फुर्सत मिलेगी तो वो किसी और के बारे में सोचेगा ना। आज पूरा दिन फातिमा के साथ गुजार के भी उसका दिल नहीं भरा। आज मेरी बेटी का इतना बड़ा दिन था, लेकिन एहसास कैसे है? ये तुम क्यों इतनी अजीब सी बातें सोच रही हो? क्यों, तुम अपने बेटे को नहीं जानती हो? क्या किया उसने? अम्मार ने कहा था कि वो नताशा को लेकर पार्लर जाएगा। सायमा, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो? अगर इसने पार्लर जाना था तो ड्राइवर के साथ जा सकती थी, तुम्हारे साथ जा सकती थी। अब अम्मार अपना जरूरी काम छोड़ के इसको पार्लर लेके जाए, ये कहाँ की इंसाफी है? अच्छा, तुम्हें क्या जरूरी काम था आज अम्मार को? फातिमा को लेके घूमना, उसे शॉपिंग करवाना, राइट? ये तुम क्या बातें करी जा रही हो? अम्मी बस छोड़े चले। बेटा मेरी बात सुनो, इस तरह गुस्से में चीजें हैंडल नहीं होती। अगर कोई इश्यू तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगी। लेकिन रही बात है फातिमा और अमार की, अगर इसके बारे में सोच रहे हो तो प्लीज मत सोचो। अमार एक बहुत संभला हुआ लड़का है, उसने बड़ा सोच समझ के तुम्हें चुना है। फातिमा तो उसकी सिर्फ वर्क कॉलीग है। वैसे सीमी, तुम्हें अपनी औलाद में तो कभी खराबी नजर आएगी ही नहीं। एनीवे, बाद में फिर कभी बात होगी। चलो बेटा, चल चलें। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, अम्मार और नताशा को खुश रखना, अंकल जहांगीर के घर को खुशियों से भर दे। हे मेरे अल्लाह, मेरे दिल को कुरान के नूर से रोशन कर दे। आमीन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग फ्रेश। ये कल की सारी थकन और सुबह देर से सो के उठने का राज है। कल तो मैं भी बहुत थक गया था, पहले ऑफिस फिर एंगेजमेंट, अच्छी खासी परेड लगी। पर हाँ, शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो काफ़ी स्ट्रेस लेना शुरू हो गई थी एंड में। लेकिन तुम और अमार कहाँ चले गए थे, इतने लेट पहुँचे? ना पूछो, मतलब कि मैं क्या बताऊँ कि क्या मुसीबत आ गई अचानक। कैसी मुसीबत? जिस क्लाइंट से मैंने और अम्मार ने मीटिंग की थी ना, वो मान गया। कल हम उसी से मिलने गए थे डील फाइनल करने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। तुम इस चीज़ को मुसीबत कह रही हो? तुम्हें पता है मुसीबत कितना बड़ा लफ्ज़ है? अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वह हम पे मुसीबत ना डाले। हमने तो मुसीबतें देखी भी नहीं। तुमने अक्सर सुना होगा कि क्या मुसीबत है, ये मुसीबत, लेकिन अल्लाह को ये वर्ड नागवार गुजरता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलनी चाहिए, चाहे वो काम होने वाला हो या हो गया हो। या आई अंडरस्टैंड, तुम सही कह रहे हो। अच्छा सुनो तो सही, कल उसने डील फाइनल करने के लिए हमें बुला लिया, क्योंकि 1 month के लिए वो कम्प्लीटली अवेलेबल था ही नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि 7 बजे से पहले हमने एंगेजमेंट के वेन्यू तक पहुंचना था। बड़ी हिम्मत दिखाई भाई तुम लोगों ने फिर तो। चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग ये डील क्लोज कर कराए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स राइट। चलो अब हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा और अम्मार को थोड़ा लूज छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ। आई विल सी यू अराउंड।
चलो नेल्सन थोड़ा सा खा लो। शाबाश यार, ज्यादा खाओ ना। चलो इसको ही पी लो। फर्नांडिस, ये क्या हरकत है? तुम्हारा बेटा और जवान बहन है घर में। मेरा बच्चा क्यों नहीं खा रहे? ये बुक्स भी नहीं रखी बैग में। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मैथ्स के टेस्ट में फेल क्यों हुए थे? रात को बाबा म्यूजिक तेज बजाते हैं। ये तेरी जुबान बोल रहा है ना? तू सिखाती ना सब कुछ कि तेरा बाप काम चोर है, कुछ करता नहीं है। बेटा बाबा थोड़ा अपसेट है। हाँ नैन्सी, स्कूल वैन आ गए, इसको ले जाओ। ठीक है। ये क्या हरकत है फर्नांडिस? तुम्हारी जवान बहन और बेटा है घर में, प्लीज कुछ तो एहसास करो। क्या मतलब है तेरा? मुझे कोई एहसास नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। यहाँ पर ये मेरे दोस्त का घर है, 2 साल के लिए अमेरिका गया है ना, तो यहाँ सुकून से रह रही है तू। बहुत अपनी तनख्वाह में से देना पड़ता ना तुझे किराया। पता लग जाना था तुझे, बात करती है। 2 साल से ही फारिग बैठा हो ना घर में। बस कोई बात नहीं, कमाऊंगा जब बना लूंगा अपना भी। बात ना कर ज्यादा, चल निकल निकल जा नौकरी पे। अच्छा सोन, जाते हुए 2000 रुपये रख जाना टेबल पे। मैंने नाश्ता बनाया हुआ फर्नांडिस। तो नहीं खाना मुझे घर से? कोई मसला, कोई परेशानी? बाहर से खाऊंगा मैं आज। चल जा जा नौकरी कर जाके, चल निकल। अमार, इतनी सुबह सुबह इतनी तैयारी, कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? ऑफिस जा रहा हूँ। आज रहने दो ना। क्यों, क्यों रहने? तुम आज एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो काम रुक तो नहीं जाएगा? और एक दिन घर रह जाऊंगा तो ऐसी कौन सी बातें हो जाएगी? अपनी माँ को थोड़ा टाइम दे दो, बहुत सारी बातें करनी। हाँ ना मामा, आपने क्या जरूरी बातें करनी है? नताशा की शादी की बात करनी होगी। ऑब्वियसली मुझे पता था कि मंगनी हो जाए उसके बाद आप ही प्रेशराइज करेंगे मुझे। अभी कुछ अरसा पहले तो तुम्हें ऑफिस जाना पसंद ही नहीं था और अब इतनी मोहब्बत। इट्स नॉट अबाउट मोहब्बत, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे मुझे डैड का ऑफिस पसंद हो या ना हो, चाहे मुझे डैड का बिजनेस पसंद हो या ना हो, जिम्मेदारी ली है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फातिमा से थोड़ा सा फासला रखना। मैं समझती हूँ कि तुम गलत नहीं कर रहे। फॉर गॉड्स सेक मॉम, आप लोग मुझे ना मजबूर करेंगे, मैं फट जाऊं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।